नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उषा। उषा से जुड़े हो मैम डेरे से? सन 2005 से। मैम 2005 से आप जुड़े हो, कैसा माहौल देखा है आपने? मतलब बहुत अच्छा देखा है। हमारे सतगुरु के बारे में ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा जो गलत हो। संत जी ने मैम क्या किया है देश के लिए, समाज के लिए? देश के लिए, समाज के लिए हमारे पिताजी ने, हमारे गुरुजी ने वो किया है शायद कोई कर नहीं सकता। और हमारे पिताजी ने हमें वो सिखाया है कि सच्ची रास्ता पर चलना, और जो भी गरीब बेटियां हैं उनकी शादी कराना, भूखों को खाना खिलाना, और जैसे गरीब परिवार हैं उनको राशन देना, और जो भी है हमारे सतगुरु ने हमें बहुत अच्छा करना सिखाया है, खून दान करना, और जो भी अपने आसपास में सफाई रखना, और महासफाई अभियान हमारे पिताजी ने जो इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर चलवाया, जो कि 6-7 घंटे के अंदर में दिल्ली को एकदम चमका दिया। तो हमें अपने सतगुरु पे पूर्ण विश्वास है, हमारा सतगुरु कभी गलत नहीं हो सकता। हम तो जी जान से अपने सतगुरु के वचनों पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे हमेशा, और हमें विश्वास है और रहेगा और हमेशा ही रहेगा। मैम आप कहते हो कि इतना विश्वास है आपको, तो आप कह रहे हो कि इतने अच्छे कार्य करें, उसके बावजूद संत जी को आखिर कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अच्छे कार्य ना करें, वो आगे ना बढ़े, कौन लोग हैं? हैं ऐसे जो लोग जो नहीं चाहते, जो डेरे के खिलाफ जो भी कुछ करना चाहते हैं वो तो उनका वो ही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा हमारे डेरे के अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी है यहाँ सब कुछ अच्छा माहौल है। और जो भी आज तक सुना है कुछ लोगों ने ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे डेरे के अंदर। मैम क्या अपील करना चाहोगे आप समाज से, लोगों से, जो भी मीडिया चैनलों की बातों पर यकीन करते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ न सोचें, हमारा सतगुरु सच्चा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ ना सोचे, कोई भी कुछ भी नहीं सोचे इस बात को कि हमारे डेरे के अंदर ऐसा कुछ गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैम संत जी ने जो भी कार्य करे हैं समाज के लिए, और आज जो चिट्ठियां आ रही हैं, तो वो क्या है? उसमें जिक्र किया है उन चिट्ठियों को, आखिर क्यों भेज रहे हैं संत जी? वो इन चिट्ठियों को इसीलिए भेज रहे हैं कि जितने भी हमारे जो डेरे सच्चे सौदे से जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं, कि किसी भी दूसरे इंसान के बारे कहने पर कोई भी मतलब गुमराह ना हो, गलत ना सोचे, अपने डेरे के उस पर अटूट बिल्कुल चलना है। इस डेरे के जो भी उस पर अटूट चलना है मैम, हम जो भी करते हैं निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करते हैं। हमारे संत जी की समाज को जरूरत है, तो हम खड़े हैं, तैयार खड़े। सरकार से क्या अपील करोगे हैं? सरकार से क्या अपील करोगे? हम यही करेंगे, जो हमारा सतगुरु सच है तो हमारे सतगुरु के बारे में कुछ सोचें, और हमारे गुरु जी को जो भी हम लोग सोचते हैं वही हमारे गुरुजी के साथ करें, कोई गलत ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा, एक महिला जो हमारे साथ जुड़ी है ग्रीनस वेलफेयर फोर्स की, इन्होंने ड्रेस पहनी है जो कि मानवता भलाई के कार्य करने के लिए एक संत जी ने सबको दी है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको दी हुई है। और आज ये कहती है डेरा सच्चा सौदा के अंदर आई हूँ, सुरक्षित हूँ, यहाँ पर सभी सुरक्षित हैं। एक माँ का, एक बहन का और एक बेटी का इतना बड़ा बयान मायने रखता है। फैसला आपने करना है कि सूत्रों के हवाले से खबरें सुननी है या व्यक्तिगत रूप से खबरें सुननी है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा।